हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर तिब्बती बाज़ार लगाने को लेकर जो विवाद था वह थम गया है। हालांकि कल व्यापारियों के द्वारा विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन रात को ही वे अपना टेंट वहां से उठाकर चले गए और कोई व्यापारियों की तरफ से अब विरोध नज़र नहीं आता है। विधायक गणेश राज बंसल के द्वारा जो कोर्ट के सामने जगह दी गई है वहाँ पर तिब्बती बाज़ार सजाने की तैयारियाँ चल रही हैं और ऐसी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए वहाँ से आए हुए जो सामान बेचते हैं, हर एक साल यहाँ आते हैं और अपना उन्हीं सामान बेचकर रोजी रोटी कमाते हैं, वे वहाँ अपने बाज़ार को संवारने के लिए, सजाने के लिए लगे हुए हैं। चलिए सुनाते हैं आपको कि उनका इस तैयारियों को लेकर क्या कहना है। अब बस चल रही है, बढ़िया चल रही है। एमएलए साहब की मेहरबानी है, उन्होंने अपनी जगह दी हमें लगाने के लिए, उनका बहुत बहुत आभार, हम सब की तरफ से बहुत बहुत आभार। उन्होंने अपनी जगह दी और हम बस अब जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि हम यहाँ कोर्ट के सामने लगा रहे हैं, कचहरी के सामने। हमारे जितने भी कस्टमर है यहाँ आके, हमसे जो हमारे पुराने ग्राहक हैं सब यहीं पर आ जाए, हमसे शॉपिंग करें, उनसे निवेदन है। और जिन लोगों ने भी हमारी मदद की सबका बहुत बहुत आभार है और एमएलए साहब का तो दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपनी जगह दी और हमें यहाँ लगाने दिए, दिल से आभार। हमारी दुआएं है उनके साथ। गर्म कपड़ों की बात करें तो किस तरह की वैरायटी आपके यहाँ? हमारे पास है स्वेटर, कार्डिगन, बच्चों के जुराबे, लेडीज का गर्म सूट, जैकेट है, लेडीज जैकेट, जेंट्स जैकेट, बच्चों के जैकेट है, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी है हमारे पास। सर्दी का मतलब सारा आइटम मिल जाएगा आपको। अच्छा, तिब्बत से जो आते हो आप, हाँ जी, कितने लोगों की टीम रहती है यहाँ, कैसे रहन सहन रहता है उनका यहाँ? नहीं, रहन सहन तो जैसे नॉर्मली होती है, परिवार रहते हैं, हम लोग ऐसे अलग अलग 14 परिवार है, लेकिन है हम तिब्बत के है। अब जैसे आप लोग है अलग अलग परिवार के है, आते हैं एक जगह मिल के सम्मेलन हो जाते हैं, तो ऐसे हम लोग यहाँ आके रहन सहन तो वैसे ही है, कमरा लेते हैं, खाना खुना सब उसी के अंदर बनाते हैं, वहीं पे करके फिर बस दुकान यहाँ पे लगा लेते हैं। अच्छा, खान पान की बात करें तो किस तरह का आपका भोजन रहता है, कैसे, कोई भारत से अलग है या आपके देश के हिसाब से? नहीं, सेम टू सेम है, बस वही सब्जी, पालक, आलू गोभी जो यहाँ चलते हैं, चावल सब हमारा सेम चलता है, चपाती बस यही खाते हैं हम भी, दाल रोटी सब्जी हमारा भी। 20 साल से आप यहाँ लगा रहे हो, यहाँ की जनता के बारे में क्या कहें? वो तो जनता तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, हनुमानगढ़ में आके आज तक किसी पे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, हमारा इतना मतलब आदर सम्मान करते हैं, हम तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनकी कृपा से तो हम 20 साल तक टिके, कि उन्होंने इतना अच्छा किया हमारे को। जनता से तो कोई शिकायत नहीं है, उनका तो दिल से धन्यवाद, उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है, बहुत अच्छे लोग हैं हनुमान करके, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, टर्नओवर की बात करें तो कितना आपका उत्पादन रहता है, क्या बचत रहती है? बच्चा इतना कमाई नहीं होती है, बस ये है कि रोजी रोटी चल जाती है, बस ऐसा नहीं, ये नहीं कि बहुत हो रहा है या ऐसा नहीं, बस चल रहा है, घर चल रहा है। हनुमानगढ़ विधायक गणेश राज बंसल और एडवोकेट शंकर सोनी जी और उनके जो जानने वाले टीम है, बहुत इन लोगों ने बड़ी मदद की, उनका भी दिल से आभार, सबने बहुत बहुत मदद की, उनकी कृपा से आज हम यहाँ कचहरी के पास लगा रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद, हम 14 दुकानों की तरफ से धन्यवाद है उनका दिल से। हनुमानगढ़ के स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया वह भी समय से परे है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा आदेश आए कि तिब्बती बाज़ार कहीं भी सुविधा अनुसार लगाया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर जो आपस में विवाद था उसका भी कोई मतलब नहीं निकलते देख व्यापारी अब अपनी बात से पीछे हट गए हैं और रास्ता अब खुल गया है तिब्बती बाज़ार लगाने वालों के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर, जो विधायक गणेश राज बंसल के द्वारा निःशुल्क जगह की है वहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप वे दे रहे हैं।